बीजेपी के मंत्री भी आतंकवादी हैं, देश के संविधान के खिलाफ बात करते हैं। इधर से मोहन भागवत जी, अब सारे इनका एक चक्री उछल पड़ा है। मैं बताऊं आपको बात, इनकी आदत है वोट तो इनको, मैं बताता हूं इनको, बिल्कुल भूल के भी कोई वोट ना दे। बात सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, हर बिरादरी की है। इनको भूल करके भी कोई वोट नहीं देगा, और इनको सोते उठते बैठते कोसने का काम और करते हैं। तो इनके पास में कुछ नहीं बता, मैंने बचाया, मैंने पहले बताया आपको, इनके पास में सिर्फ वो एक राम मंदिर, राम मंदिर, रामलला राम मंदिर, और सारे न्यूज चैनल लगे पड़े हैं। सबके पास में मोटी रकम पहुंच जाती है, मोटा पैसा सबके पास में पहुंच जाता है। एंकर अपनी अलग से तैयारी करता है, अलग से मेकअप करते हैं, अलग से सारा काम करते हैं। एंकरों की अलग तैयारी होती है, अलग अलग टीम इनकी होती है, उनकी अलग तैयारी करनी है। फिर बताना है कि भाई हाँ, मोदी जी अपनी माँ के पास में पहुंचे, अपनी माँ के पास बैठे हैं, और उनको पूरा फोकस करना है। बड़े क्लोजिंग फोटो दिखाएंगे, जैसे यार माँ से तो हम भी अपने माँ के पास ही रहते हैं, हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं। भाई माँ के, माँ हमारे दिल में, हम माँ के दिल में है। कभी ना मिल पाए तो कभी ये नहीं है कि हाँ इतने वर्षों के बाद माँ मिली है और चार फोटो खिंचवाएं। भाई हमें प्रधानमंत्री तो चाहिए था, लेकिन वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए था जो इस देश को वास्तव में चाहिए ना वो दे सके। हमें फोटो शूट वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, गलत प्रधानमंत्री हमें मिल गया। सारा फोटो शूट का प्रधानमंत्री हमें मिला है, और अयोध्या में सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब बात करते हैं, मुसलमान साथी तो बात करेंगे, भाई बाबर पहले आया था तो बाबरी मस्जिद में, फिर ये रामलला की बात करते हैं, भाई यहाँ पे रामलला की मूर्ति ऐसे है, भाई वहां तो तथागत गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा निकली है। कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। अब तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है, और फिर सबसे बड़ी बात, जब इनका इतिहास नहीं था, जब ये अपना इतिहास बताते हैं, उससे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध जी अपना करुणा का, प्रेम का संदेश देकर के चले गए थे। इतिहास को उठा करके देखे, इतिहास पढ़े, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को समझे। मैं तो ये कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं बोध विहार की मांग करूं, ये जरूरी नहीं, लेकिन जितने ये मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद खेल रहे हैं ना, इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर या तो कोई स्कूल बना दे या कोई कॉलेज बना दे, सारा टंटा ही कट जाएगा। बिल्कुल पूजा करो अपने अपने धर्म की, सबसे बढ़िया है। और एक बात और है, बड़ी तार्किक बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। अब मैं किसी देवी देवता का अपमान करने की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जो खुद खुदा है, जो खुद परमात्मा है, जो खुद श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके लिए आज हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है, मुस्लिम समाज अपने लिए संघर्ष कर रहा है। फैसला कौन करेगा? दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सींग उलझ गए हैं। देखोगे जैसे जानवरों में सींग उलझ जाते हैं ना, जो दबंग लड़ते हैं, ऐसे बैल के सींग उलझ जाते हैं, ऐसे सींग उलझे हुए हैं, इनको कोई सुलझाने वाला नहीं। उसके बाद में ये परेशान दुखी, कभी बाबरी तोड़ दी, कभी ये हो गया, कभी दंगा हो गया, न जाने कितने लोगों को मरवा दिया। अभी वीडियोज भी आ रही है लगातार, साथियों ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियोज भी आ रही है लगातार कि किसी के पैर टूट के कोई आधा अपंग हो गया, किसी की बीवी किसी को छोड़ के चली गई, उसका घर तक बिक चुका। ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ऐसे समय में युवाओं को, उसके बाद में मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इनका आपस में फैसला नहीं हो रहा था आपस में। साथियों ध्यान से सुनना, आपस में ये लोग उलझे हुए बुरी तरीके से परेशान थे, इन्होंने बाबरी भी तोड़ दी, सारे काम कर दिए, उसके बाद में दुखी परेशान, मैं कहूंगा दुखी परेशान आत्मा भटकती भटकती राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का झगड़ा सुलझवाने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हो गई देश के संविधान के सामने, सुप्रीम कोर्ट में। अब बता दो भाई, मैं तो तार्किक बात कर रहा हूं कि आप हमारा देश के संविधान जज साहब, आप हमारा फैसला करो तो देश में चलेगा संविधान, इसके अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा, और मरते दम तक संविधान को आंच भी नहीं आने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़ जाए। तो साथियों, इन्हीं लफ्जों के साथ
आपके बीच में आए, आपने सुना, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आयोजक कमेटी को धन्यवाद, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे बुजुर्ग भी और कुछ हमारे प्रेरणा स्रोत साथी जो मंच पर विराजमान है, मीडिया के साथी है, बहुजन मीडिया के साथी है, गायक कलाकार साथी है, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और एक नारे के साथ आपसे विदा चाहूंगा कि पूरी कायनात में, कि पूरी कायनात में जय भीम बरसना चाहिए, कि पूरे संसार में जय भीम बरसना चाहिए, हर भीम सैनिक के दिलों से, देश के बच्चे बच्चे के दिल से जय भीम का तूफान उठना चाहिए। अरे मर गए भीम क्रांतिकारियों को मारने वाले। Oh.